बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों। आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन में दोस्तों जो मेथड है, कई सारे मेथड हैं, उनको भी हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन जो एक मेथड है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स, इसको आज के इस लेक्चर में कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये एक शीट है जिसमें दोस्तों हमने कैलकुलेट करना है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स। डिप्रिसिएशन का एक मेथड है, उसमें के थ्रू हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ दोस्तों हमारा जो एसेट है उसका ये कास्ट है यानी 10 लाख, सेल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू है वो दोस्तों 1 लाख है, यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ईयर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला का जो सम ऑफ द ईयर डिजिट से उसका शार्ट है SYD, तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू SYD इंटू कास्ट। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा रहे हैं कास्ट सेल्वेज लाइफ पर कास्ट। दोस्तों इस लोकेशन को सिलेक्ट करें जो कि अमाउंट है, जो कि C5 सी कॉलम 5 रो कामा, सेल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू है वो दोस्तों 1 लाख है जो कि C6 है कामा। उसके बाद दोस्तों लाइफ, यूजफुल लाइफ कितना है, 10 ईयर, इस लोकेशन को सिलेक्ट करें कामा। यहाँ दोस्तों पर से मुराद है पर ईयर यानी कौन से साल के लिए, इस साल अगर फर्स्ट ईयर है तो उसको यहाँ पे हमने फर्स्ट पुट करना है, 1 पुट करना है, सेकंड है अप टू 10, चूँकि टोटल 10 साल है, तो चूँकि यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम पुट करें तो यहाँ पर 1 पुट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पहले साल का जो डिप्रिसिएबल वैल्यू है वो 1,63,636.36 है। यहाँ दोस्तों आप करेंसी में जाके कोई और करेंसी भी लगा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों इसकी सेटिंग कर दें आल बार। यहाँ पर दोस्तों एक नेक्स्ट मेथड के थ्रू हम इसको कर लेते हैं। ये दोस्तों बन रहा है, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं, तो ये दोस्तों बन रहा है टोटल। इसको पहले दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू लगा दें और एंटर करें तो ये हटा दें। अब यहाँ पे डाल दें 55,55, टोटल हमने ये अखस करना है कि वाकई ये जो रिज़ल्ट निकला है ये सही है गलत है। तो फार्मूला इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 55 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विद फिर ब्रैकेट ओपन C6 माइनस C5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर दोस्तों सेम वही रिजल्ट आ रहा है 1,63,636.36। अब यहाँ पर दोस्तों शेड्यूल हम बनाते हैं 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। यहाँ पर दोस्तों ईयर SYD, तो ईयर 1, 2, up to 10, 9 और 10 इंटू कास्ट जो कि 10 लाख है कामा, सेल्वेज वैल्यू कामा, लाइफ 10 ईयर कामा, पर में दोस्तों हम ईयर हमसे मांग रहे हैं तो फर्स्ट पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। अब दोस्तों यहाँ पर अब जब इसको ड्रैग करेंगे तो लाजमी बात है कि ये मसला करेगा, अब देख रहे हैं मसला कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि दोस्तों ये जो हमने वैल्यूज लिया है, लोकेशन लिया है, ये हमने फिक्स नहीं किया तीनों। डबल क्लिक करें, F4 के साथ C5 को फिक्स करें जो कि हमारा कास्ट है, C6 को F4 के साथ फिक्स कर दें, C7 को F4 के साथ फिक्स कर दें, B11 जो कि हमारा ईयर, इसको इसलिए फिक्स नहीं करते क्योंकि इसके साथ ही आ रहा है, ड्रैग हो रहा है, नीचे डाउन जा रहा है, और एंटर कर दें, डबल क्लिक कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली शेड्यूल आ गया 1,63,636
36 पहले साल डिवेल्यू होगा, डिप्रिसिएट होगा, 207, एक 37, एक इस तरह आखिरी जो साल है 16,336 इस तरह 64। यहाँ से सेलेक्ट कर दें आल बॉर्डर और यहाँ से तीख बॉर्डर, कंट्रोल एस। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने एक बेहतरीन किस्म का एक्सेल में डिप्रिसिएशन का बेहतरीन किस्म का कैलकुलेशन आपको करके दिया। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में इतना ही। मज़ीद वीडियो और अपडेट के लिए हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को दोस्तों सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।